Hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 कैरियर्स जो कि आप 12th साइंस पीसीएम के बाद अगर चूज करते हैं तो ये कैरियर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबसे ज्यादा हाई सैलरी जॉब्स भी इन 10 कैरियर्स में अवेलेबल है। तो क्यों ना इन 10 कैरियर्स के बारे में पूरा एक मास्टर क्लास वीडियो हम आप तक पहुंचाएं, ये हमने सोचा था। इस वीडियो को बनाने का यही हमारा मकसद है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए 10 कैरियर्स के बारे में आपको बताना करता हूं स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला कैरियर है जो कि मैं चाहता हूं 12th साइंस पीसीएम का बच्चा परस्यू करें, वो है एरोस्पेस इंजीनियर। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है ना और बीटेक करने की सोच रहे हैं तो एरोस्पेस बहुत ही लुक्रेटिव हमारा एक कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। स्पेस इंजीनियर या फिर एरोस्पेस इंजीनियर का मेन वर्क होता है डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना एयरक्राफ्ट को, स्पेसक्राफ्ट को, सैटेलाइट्स को और मिसाइल्स वगैरह को, ठीक है। दे यूज देयर नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ताकि जो इंप्रूव कर सके अपने व्हीकल्स को, व्हीकल्स मतलब ये सारे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट वगैरह, ताकि स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस हो पाए, समझ पा रहे। तो आप एरोस्पेस इंजीनियर अगर आप बनते हैं तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है कि आपको स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वगैरह के साथ वर्क करना पड़ता है। सैलरी देख सकते हैं तो यहां पर 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आप 5 से 18 लाख रुपए पर एनम तक अर्न कर सकते हैं। रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो 12th के बाद मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बीटेक अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कर सकते हैं या फिर बीटेक आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर भी आप एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ एरोस्पेस इंजीनियर, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास कैरियर है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का। देखिए ये कैरियर बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लगता है हाई पोजीशन वाले हैं, लेकिन मैं पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप कैसे इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सीएफओ का नाम जैसे नाम से पता लग रहा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो लीडर है वो होता है हमारा सीएफओ, ठीक है। तो यहां पर फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, बजट बनाना ताकि कंपनी के पास हमेशा मनी की रिक्वायरमेंट या मनी से रिलेटेड जो भी उनकी गोल हो वो मैट हो पाए, वो फुलफिल हो पाए, सीएफओ का रोल होता है। इनका एक और काम होता है कैपिटल को रेज करना, एक्वायरिंग अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी को एक्वायर करना और डेब्ट को मैनेज करना। अगर लोन्स वगैरह लिए हैं तो उन लोन्स को सही टाइम पे चुकाना भी एक सीएफओ का मेन रोल है। अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो 40 लाख पर एनम तक आप अर्न कर पाते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि ये काफी सीनियर पोजीशन है तो आप इजीली इतना अर्न कर लेते हैं चाहे इंडिया में रहकर करें या फिर फॉरेन कंपनीज को आप ज्वाइन करें। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे या फिर रोड मैप की अगर हम बात करें तो आप बीबीए कर सकते हैं 12th के बाद, बीबीए फाइनेंस से कर सकते हैं या फिर बीएससी फाइनेंस जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आप कर सकते हैं। 2 प्रोफेशनल कोर्सेज का यहां पर मैंने नाम यहां पर मेंशन करा है, एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पास करना पड़ेगा, फिर आपको 3 लेवल पास करने पड़ते हैं। तो 2 से 3 साल का समय लग जाता है अगर आप ग्रेजुएशन के साथ करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप ये कोर्स भी कर सकते हैं अगर आप सीएमए नहीं करने जा रहे हैं तो ये ग्लोबल लेवल पे भी नंबर 1 फाइनेंस का सर्टिफिकेशन है जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो आपके पास सीएफए करने का भी एक ऑप्शन बनता है 12th साइंस पीसीएम के बाद, ठीक है। थर्ड वन फिनटेक स्पेशलिस्ट, फाइनेंस और टेक का ये कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर मेन काम इनका होता है इंप्लीमेंटिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ऐसे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना जिसमें टेक्नोलॉजी जो हो बहुत ही पीक लेवल पे हो, बहुत ही एस लेवल पे हो, ठीक है। तो यहां पर आप अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फिनटेक के एग्जाम्पल्स अगर आप सर्च करेंगे तो ये हमारे एग्जाम्पल सामने आते हैं जो कि हम एवरीडे में यूज करते हैं। ये एप्लीकेशंस पेटीएम एक फिनटेक का एक स्पेशल एग्जाम्पल है जहां पर फाइनेंस रिलेटेड मैटर भी है, आप पेमेंट करते हैं, मनी से रिलेटेड इन्वॉल्व है और यहां पर कहीं ना कहीं एआई का यूज हो रहा है, यहां पर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फोन पे आप यूज करते हैं, पॉलिसी बाजार है इंश्योरेंस का, ठीक है। क्रेड ऐप का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, ग्रो हमारा एप्लीकेशन है, जीरोधा अपस्टॉक्स हमारे एप्लीकेशन है जहां पर फाइनेंस रिलेटेड मैटर को टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे एनहेंस करा जाता है वो आपको फिनटेक स्पेशलिस्ट का मेन रोल होता है। सैलरी यहां पर काफी शानदार है बच्चा, यहां पर आप 15 से 25 लाख रुपए पर एनम तक कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद अर्न कर सकते हैं। अगर 12th के बाद कोर्सेज की बात करेंगे तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से,
बीबीए अपना आईटी से और बीसीए अपना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को कर आप अपनी इस पोजीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मास्टर लेवल पे एमबीए इन फिनटेक जैसे कोर्सेज कर फिनटेक स्पेशलिस्ट की पोजीशन या फिर फिनटेक एक्सपर्ट की पोजीशन या फिर फिनटेक कंसल्टेंट की पोजीशन में वर्क कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा कैरियर है वो है डाटा एनालिस्ट का। डाटा के बेसिस पर ही हर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट अपने डिसीजन लेती है। तो डाटा एनालिस्ट का मेन काम होता है कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना डाटा को, ताकि उनमें से इंपॉर्टेंट इंसाइट हम निकाल पाएं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएं। ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स है जिसमें मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करा जाता है ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर पाए। जो हमारे डाटा होते हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाकर उनसे हम मीनिंगफुल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सैलरी रेंज की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 18 से 30 लाख रुपए पर एनएम तक आप कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद अर्न कर सकते हैं। 12th के बाद करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी स्टेट्स और मैथमेटिकल नॉलेज को गेन करने के लिए बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं डाटा साइंस से, बीबीए कर सकते हैं या फिर बीसीए जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम मास्टर लेवल के कोर्सेज की बात करेंगे तो एमबीए आप डाटा साइंस से या फिर बिजनेस एनालिटिक्स से कर सकते हैं, बीएससी के बाद आप एमएससी डाटा साइंस से भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है अपना कैरियर एज अ डाटा एनालिस्ट बनाने का। 5th वन इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। टेक्नोलॉजी का चीफ, एक फाइनेंस का चीफ था, ये है हमारा टेक्नोलॉजी का चीफ। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नई टेक्नोलॉजी का एडवांटेज समझाना, लोगों को रेजिस्टेंस को उनको पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना ऑर्गेनाइजेशन के, तो जितना भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ सीटीओ हैंडल करता है या लीड करता है सही तरीके से। अगर मैं बोलूं इसको 50 लाख पर एनएम तक सीटीओ हमारे अर्न करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आईटी मैनेजर सबको, आईटी मैनेजर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर मैनेजर सब इसके अंडर में ही वर्क करते हैं। आप ये पोजीशन को हासिल करने के लिए बीटेक कर सकते हैं सीएस से, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं या फिर बीबीए आईटी या फिर बीसीए जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक कोर्स आपको करना है। आप मास्टर लेवल पे एमबीए एमसीए या फिर पीजीडीसीए जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। 6th वन हमारा जो कोर्स है या फिर कैरियर है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर लीड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो इनका काम होता है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना किसी भी प्रोजेक्ट को, ताकि वो बजट के साथ, मतलब जो कॉस्ट हमने सोची है उस कॉस्ट में सही तरीके से हमारा टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये मेन काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। नाम से पता लग रहा है प्रोजेक्ट को हैंडल करना, एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, पूरा वर्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। 15 लाख से 25 लाख पर एनएम तक प्रोजेक्ट मैनेजर अर्न करते हैं। और इस पोजीशन के लिए आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का पीएमपी कोर्स कर सकते हैं और अपने अंडर ग्रेजुएशन में बीबीए बीसीए या फिर बीटेक जैसे डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। 7th वन इज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ज्यादा बूम पे है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कर डिजिटली चीजों को प्रमोट करना। तो यहां पर आप एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं ताकि आप कस्टमर को एंगेज कर सकें, ठीक है। तो यहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना, पोस्ट को बनाना, इंटरेक्ट करना फॉलोअर्स के साथ, अगर आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर किसी के अपॉइंट हुए हैं तो आपको अपने इन्फ्लुएंसर की ये सारी एक्टिविटी को हैंडल करना पड़ता है। सैलरी की अगर हम बात करूं तो 10 से 15 लाख रुपए पर एनएम तक आप अर्न कर सकते हैं। कोर्सेज की बात करूं तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीबीए डिजिटल मार्केटिंग से या फिर बीसीए डिजिटल मार्केटिंग से अपना कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली 6 से 1 साल का कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की पोजिशंस को हैंडल करने के लिए। 8th वन इज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। ऑनलाइन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मेन काम होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क्स को, डाटा को प्रोटेक्ट करना, ताकि अनऑथोराइज जो एक्सेस है, थेफ्ट है, डैमेज है, उनसे प्रोटेक्ट करा जाए। 15 से 25 लाख रुपए पर एनएम तक एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल सकते हैं। कैरियर रोडमैप की अगर मैं बात करूं तो आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीसीए, बीबीए, बीवोक जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सीईएच जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं एथिकल हैकिंग फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। 9th वन इज वेब डेवलपमेंट फील्ड में आप जा सकते हैं और एज अ वेब डेवलपर बन सकते हैं। वेब डेवलपर का मेन रोल होता है क्रिएट और मेंटेन करना वेबसाइट को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इनको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि HTML है, C++ है, JavaScript है, स्ट्रक्चर लेआउट वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप 10 से 15 लाख रुपए पर एनएम तक एनुअली अर्न कर सकते हैं। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, 12th के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी, बीसीए या फिर बीबीए आईटी से आप कर सकते हैं, या फिर इन सिंपल अगर ये कोर्सेज नहीं कर पाए किसी भी वजह से तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 1 साल का डिप्लोमा होता है वो आप कर सकते हैं और एज अ वेब डेवलपर लग सकते हैं।
टेंथ वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन काम होता है डिजाइन करना, क्रिएट करना, टेस्ट करना, मेंटेन करना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशंस आप रन करते हैं, अपने मोबाइल में चलाते हैं, अपने पीसी में चलाते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन या ऑलमोस्ट सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही डेवलप करी हुई होती है। 12 से 18 लाख पर एनम तक आप इजिली 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अर्न कर सकते हैं। 12th के बाद आप बीटेक, बीएससी, बीसीए, बीबीए या फिर बीवोक जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। मास्टर लेवल के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, वो कोर्स कर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मेरी नजर में ये 10 ऐसे कैरियर हैं जो आने वाले 5 सालों में काफी ज्यादा बूम पे जाने वाले हैं। आप इन 10 में से कौन सा कैरियर को चूज करने जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।